फाइनली गाइस गेम के ऊपर न्यू मिस्ट्री शॉप आने वाला है। न्यू मिस्ट्री शॉप के ऊपर आप लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, कौन सा डिस्काउंट रिवॉर्ड्स होने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। प्लस आपको बताऊंगा बुयाडे इवेंट एंड डिमन सेलर का जो न्यू इवेंट चल रहा है उसी इवेंट का बहुत सारा रिवॉर्ड्स अभी तक गेम के ऊपर अवेलेबल नहीं किया, तो कौन सा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप ना करके शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर आपको सब रिवॉर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा जो आपको इसी महीने के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस डिमन सेलर का जो न्यू बांडल है गाइस यहाँ लड़की का बांडल, ये जो इवेंट आपको दिखने मिलेगा इसी बांडल आपको एक न्यू मिस्ट्री शॉप के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो लड़की का बांडल कुछ आपको इस टाइप का दिखने मिलेगा, और ये जो लड़की का बांडल है इसके साथ साथ आपको एक बैकपैक भी दिखने मिलेगा कुछ इस टाइप का। जो ये दोनों का जो रिवॉर्ड्स है गाइस ये आपको मिस्ट्री शॉप के ऊपर देखने को मिलेगा, और मिस्ट्री शॉप इसी अक्टूबर के अंदर आपको दिखने मिलेगा लगभग 22 से 25 तारीख या 23 तारीख को आपको दिखने मिल सकते हैं या 20 तारीख को भी आपको दिखने को मिल सकता है। बात कर दो गाइस यहाँ पे आपको तो मैंने बता दिया है मिस्ट्री शॉप आने वाला है गेम के ऊपर, साथ में गाइस जो हमारा डिमन सेलर इवेंट चल रहा है उसी इवेंट के ऊपर से आपको डिमन सेलर का ये वाला जो बांडल है ये आपको नहीं दिया, तो ये वाला जो बांडल है ये आपको एक न्यू इवेंट के ऊपर दिखने को मिलेगा, और ये आपको शायद रिंग इवेंट नहीं तो आपको फेडरेटल के ऊपर अवेलेबल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ एक बैकपैक भी आपको दिखने को मिल जाएगा। बात कर दो गाइस गेम के ऊपर आपको बताएगा डिमन सेलर इवेंट के साथ साथ बुयाडे इवेंट भी चल रहे, तो गाइस डिमन सेलर इवेंट के साथ साथ बुयाडे का जो रिवॉर्ड्स है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, क्योंकि बुयाडे का जो बांडल है गाइस वो अभी तक गेम के ऊपर अवेलेबल नहीं किया गया। तो गाइस यहाँ पे जो ये इवेंट है ये इवेंट आपको थोड़ा टाइम के लिए शायद दिखने मिला था ग्लिस के थ्रू, बट ये जो इवेंट है ये ऑफिशियली अभी तक गिरिना ने लॉन्च नहीं किया है गेम के ऊपर। तो गाइस ये जो इवेंट है ये आपको बांग्लादेश एंड इंडिया सर्वर के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा, कुछ मिशन कंप्लीट करने के बदले आपको यहाँ पे आपको बांडल मिल सकता है या आपको शायद से डायमंड से भी लेना पड़ सकता है। तो भाई ये जो दोनों बांडल है लड़का एंड लड़की ये दोनों बांडल के अंदर से शायद कोई एक बांडल आपको फ्री में मिल जाए, नहीं तो आपको दोनों का दोनों बांडल आपको शायद आपको डायमंड से भी लेना पड़ सकता है। और गाइस जैसे कि बुयाडे इवेंट चल रहा है तो शायद आपको फ्री में मिलेगा कुछ कुछ रिवर्स यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे आपको दो दो गन भी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है, एंड दोनों गन के ऊपर एबिलिटी भी है, और साथ में यहाँ पे दोनों गन ठीक ठाक है बढ़िया दिखता है। साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो और भी बहुत कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, और गाइस जो बुयाडे इवेंट है उसका जो पिक बंडल है जैसे कि बहुत सारा बोल रहे थे भाई उसका लेजेंडरी बंडल जो रिटर्न आने वाला है या नहीं आने वाला है उसके बारे में बता दो, तो गाइस उसके बारे में भी बता देते हैं। गाइस यहाँ पे जो इसका पिक बंडल होने वाला है कुछ इस टाइप का, जैसे कि आप सभी को बताइएगा ये काफ़ी ज़्यादा रेयर एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत पुराना बंडल है। तो फाइनली गाइस हो सकता है बुयाडे का जो लास्ट इसी मंथ का, तो इसी मंथ का 10 या 15 तारीख के अंदर आपको शायद ये बंडल दिखने मिल जाए, और ये बंडल 10 या 15 तारीख के अंदर आपको दिखने मिल जाए तो अच्छा बात है, और दिखने नहीं मिलेगा तो आपको रिटर्न नहीं आएगा। तो गाइस ये जो बुया बंडल है ये काफी कमल का है और काफी बढ़िया है, तो शायद आपको गेम के ऊपर आपको अवेलेबल किया जा सकता है, मुझे नहीं पता बट गिरना चाहता है इसको देना तो जड़ से जड़ू दे देगा। तो गाइस कौन कौन बुया बंडल को निकालने वाले हो कमेंट करके जरूर बताओ, प्लस मैं आपको बताऊंगा हमारी दिवाली इवेंट के बारे में न्यूज़ कुछ, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा आगे वीडियो में, एंड आगे वीडियो में आप सभी का कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो सब लोग अभी तक जिसने भी कमेंट नहीं किया तो फटाफट कमेंट कर लेना, अगली वीडियो में आप सभी का कमेंट के साथ साथ दिवाली इवेंट के बारे में भी